मर जाएंगे लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे जी हाँ ये उन लोगों का दर्द है जो इस वक्त बांग्लादेश में अपने ही देश में अब रिफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हैं शरणार्थी बन चुके हैं अब ये चाहते हैं कि इनके हक की आवाज़ भी दुनिया उठाए क्योंकि इनके ही अपने ही देश में इनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा इनके साथ बर्बरता की जा रही है जब कोई शख्स ये कहता हो कि मैं मर जाऊंगा अपने जान दे दूंगा लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ूंगा आप उसके दर्द का आलम समझ सकते हैं ये हर एक इंसान जिसके अंदर भावना है वो इस दर्द को महसूस कर सकता है जब कोई इंसान ये कहे कि जहां जन्म हुआ जहां पर सारी उम्र निकली जहां पर उन्होंने अपने पुरखों को देखा उनसे उस देश के इतिहास को जाना समझा जिसे उन्होंने अपनी रूह में बसाया वही उनका अपना धर्म बन गया उस देश से अगर उन्हें कह दिया जाए अचानक से कि आप चले जाइए तो उसके दर्द का आलम समझा जा सकता है आज अपने उसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज हिंदुओं के साथ वहां पर बर्बरता हो रही है शेख हसीना को लेकर उनके उस फैसले को लेकर जब विवाद की शुरुआत हुई तो लगा कि शेख हसीना वजह हैं शेख हसीना ने मुल्क छोड़ दिया वो मुल्क छोड़कर भाग गई और कुछ दिनों तक भारत भी रही और उसके बाद अब वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बन चुकी है सोलह लोगों की टीम सरकार इस अंतरिम सरकार को कह लीजिए चला भी रही है लेकिन इसके बावजूद हिंसा का दौर है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा अब सवाल ये उठने लगा कि क्या शेख हसीना बहाना थी तख्ता पलट करना था वहाँ से हिंदुओं के को हटाना था उनके ऊपर बर्बरता बरसानी थी ये सवाल आज हर एक इंसान पूछ रहा है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है जिसके अंदर दर्द महसूस करने की और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझने की भावना है बांग्लादेश से, से शेख हसीना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो जा चुकी हैं नई अंतरिम सरकार भी वहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन ये हिंसा एक के बाद एक प्रतिष्ठानों को तोड़ा जाना हिंदू धर्म के स्थान कह लीजिए मंदिर कह लीजिए उन्हें नष्ट किया जाना लोगों को बेघर किया जाना और लाखों लोगों को शरणार्थी बना देना ये बड़ा दर्द देता है घर बार से बेघर लाखों लोग हो चुके हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये देश हमारा नहीं है क्या हम इस देश के नहीं हैं जहाँ पर बचपन बीता जवानी बीती बुढ़ापा आया कई लोगों को आते और जाते देखा वहाँ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है और हमारे लिए कहाँ है वो समाज कहाँ है वो मानवाधिकार कहाँ है वो देश दुनिया के लोग जो कहते हैं कि सबकी आवाज़ हम उठाते हैं वो हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं देखिए शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे बर्बर हमलों आगजनी और लूटपाट के विरोध में शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदू जागरण मंच ने एक बड़ा प्रदर्शन किया राजधानी ढाका के शाहबाग में हजारों हिंदू इकट्ठा हुए देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ हाल में हुई जिस तरीके से घटनाएं सामने आई उस पर आवाज उठाई जा रही है ढाका ट्रिब्यूनल की अगर एक रिपोर्ट की बात माने तो रैली में आयोजकों ने हिंदू गांवों पर जलाने उसे तोड़ने क्षतिग्रस्त करने हिंदुओं के साथ बर्बरता करने का जिक्र किया दिनाजपुर में चार हिंदू गांवों को जलाना भी इसमें आवाज के तौर पर बुलंद हुआ और कई हिंदू भी सहारा हो चुके हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्होंने शरण ले रखी है इसका भी जिक्र किया गया रैली के दौरान हिंदू समुदाय ने चार सूत्री मांगे अपनी रखी अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना हो अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन किया जाए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाए और अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत संसदीय सीट जो है वो आवंटित की जाए उसे सुरक्षित रखा जाए कई लोगों ने इस रैली के दौरान कहा कि हम इसी देश में पैदा हुए ये देश सभी का है हिंदू देश छोड़ कर नहीं जाएंगे जो अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं उनका कहना है कि हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है ये रैली में पहुंचे कुछ लोगों ने अपने हाथों में कागज की तख्तियाँ रखी हुई थी जिस पर लिखा गया था कि भाई देखिए जो कुछ हो रहा है उस पर इंसानियत को बोलने की ज़रूरत है उसके दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है वरना आज जो आग यहाँ लगी है वो कल कहीं और भी लग सकती है और इसीलिए ग़लत को ग़लत कहना ज़रूरी है और वो भी वक्त रहते इस ख़बर पर क्या है आपकी राय बताइएगा ज़रूर